दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 हमेशा से ही चर्चा के विषय बनी रही है। जब से दोस्तों फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, तभी से फैंस के बीच में इस फिल्म को लेकर एक जबरदस्त क्रेज है, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार इस फ्रेंचाइजी की पहले ही 3 फिल्मों में अपने फैंस को काफी ज्यादा हंसा चुके हैं, जिसके बाद में इस फिल्म को देखने के लिए उनके फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और दोस्तों हो भी क्यों ना, आखिर उनके फेवरेट सुपरस्टार जो है। ये फिल्म दोस्तों किसी न किसी तरह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। कभी दोस्तों अक्षय कुमार इस फिल्म के नए पोस्टर हमारे सामने लेके आते हैं, तो कभी फिल्म का कोई टीजर हमारे सामने आ जाता है। और दोस्तों इसके गाने तो वैसे ही सुपरहिट हो ही चुके हैं, जिसके बाद में दोस्तों अब अक्षय कुमार ने हाल ही में इसका एक और टीजर जारी किया है। और दोस्तों 38 सेकंड का ये टीजर जितना छोटा है उतना ही ज्यादा मजेदार है। इस टीजर में दोस्तों एक से बढ़कर एक मजेदार डायलॉग है, और अक्षय कुमार ने शानदार कॉमेडी का जलवा एक बार फिर से हमारे सामने दिखा दिया है। दोस्तों टीजर की शुरुआत होती है चंकी पांडे से, जो कि शुरुआत में ही टकलिया टकलिया चिल्लाते रहते हैं। तभी अक्षय कुमार पीछे से उनको पत्थर मारते हुए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तेरा बाप टकलिया। वहीं दोस्तों इसके बाद में अक्षय कुमार अपने ही बाप को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, लेकिन इस प्लानिंग में उनका कोई भी साथ नहीं देता, जिसके बाद में अक्षय कुमार खुद ही अपने बाप की गर्दन उड़ाने के लिए तलवार बढ़ाते हैं। लेकिन तभी अक्षय कुमार के पापा पीछे घूमकर देख लेते हैं, जिसके बाद में वो अक्षय कुमार से कहते हैं कि साले टकलिए अपने ही बाप को मारने जा रहा है। जिसके बाद अक्षय कुमार अपने पापा से बड़े ही फनी अंदाज में माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बचपन से माँ का छाया मेरे सिर पे नहीं, और अगर आपका मुंडन कर दिया तो बाप की छाया भी मेरे सिर पे नहीं। और दोस्तों ये देखने के बाद आप अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। खैर दोस्तों, हंसी का सिलसिला तो ये इसी तरह जारी रहेगा। वहीं आपको बता देते हैं कि अक्षय कुमार की ये फिल्म 25 अक्टूबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और दोस्तों दिवाली का मौका है, इसी के साथ अक्षय कुमार अपने फैंस के लिए ये खुशखबरी लेके आए हैं। वहीं दोस्तों स्टारकास्ट की अगर हम बात करें, तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति खरबंदा, कृति सैनन और पूजा हेगड़े भी अहम रोल में दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों फिल्म में एक छोटा सा रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है। ये रोल जितना छोटा है दोस्तों उतना ही नटखट भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हमने पिछले ट्रेलर में देखा था कि वो किस प्रकार गणेश गायतोंडे का डायलॉग एक बार फिर से दोहराते हैं, जिसे देखकर उनके फैंस काफी ज्यादा खुश हुए थे और अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। फिलहाल दोस्तों आप अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों हाउसफुल 4 से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।